वेलकम बैक फ्रेंड्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट ए टॉपिक और ए चैप्टर ऑफ डीएस नैतिक शिक्षा पार्ट 13 महाराज रणजीत सिंह की उदारता। इस कहानी के बारे में हम समझेंगे और इससे क्या शिक्षा मिलती है हमको, इस बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 13 कक्षा 4 का नैतिक शिक्षा का यह पार्ट है। पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह एक आदर्श राजा थे, वह फेमस थे, वह पंजाब केसरी के नाम से भी जाने जाते थे। वे प्रजा के सुख दुख को अपना सुख दुख समझते थे, जो महाराजा रणजीत सिंह थे एक आदर्श राजा थे और वह प्रजा के सुख दुख में अपना सुख दुख समझते थे, उनके साथ मतलब मिलकर उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश वो किया करते थे। उनके राज्य में बिना धार्मिक भेदभाव के सबके साथ न्याय और दया का व्यवहार होता था। जो महाराजा रणजीत सिंह थे उनके राज्य में भी भाई सभी धर्म के लोग थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग रहते थे। तो रणजीत सिंह जी की एक खास बात थी कि वह धार्मिक भेदभाव नहीं करते थे, चाहे प्रजा का कोई भी आदमी आ जाए, वो किसी भी धर्म का हो, सबके साथ न्याय और दया का व्यवहार करते थे। एक बार वे कहीं जा रहे थे, अचानक उनके सिर पर कहीं से एक ढेला आकर लगा। ढेला का मतलब पत्थर का एक छोटा टुकड़ा। वो कहीं रास्ते में जा रहे थे अपने रथ पर बैठकर, लेकिन अचानक कहीं से एक ढेला आकर उनके सिर पर लग गया। तो महाराज को चोट जब लग गया तो भाई उनके जो सैनिक थे वो बहुत गुस्से में आ गए और जो है चारों तरफ खोज करने लगे कि आखिर कौन है भाई, किसने पत्थर फेंका महाराजा के ऊपर। वो चारों तरफ खोजने लगे, सर्च करने लगे, देखने लगे, तो देखते हैं कि एक बुढ़िया ने ढेला फेंका था। महाराज की चोट को देखकर साथ चलने वाले कर्मचारी दौड़े और वे ढेला फेंकने वाली बुढ़िया को पकड़ लाए। एक बूढ़ी औरत ढेला फेंकी थी तो महाराज के सैनिक जो है उस बुढ़िया को पकड़ के ले आए। महाराज को सामने देखकर बुढ़िया डर के मारे कांपने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब भाई जाहिर सी बात है कि भाई उस राज्य के राजा थे महाराजा रणजीत सिंह, अब महाराजा के सामने उस बुढ़िया को लाया गया, उसने गलती तो किया ही था भाई। महाराजा को कोई पत्थर मार देगा तो उसके सैनिक उनको छोड़ेंगे और फिर महाराज भी हैं समय पर, तो महाराज को भी तो गुस्सा आ सकता है, वह भी कुछ पनिशमेंट दे सकते हैं। तो ये बूढ़ी औरत बहुत डर गई और कांपने लगी और बोली, महाराज मेरा बेटा भूखा था, उसे खिलाने के लिए घर में कुछ नहीं था, तो मैंने पके हुए बेर को तोड़ने के लिए यह ढेला फेंका था। भाई गरीब थी, बहुत ही गरीब, और घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं था, तो उस बूढ़ी औरत अब करे क्या, जब खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो जंगल में गई, रास्ते में गई, कहीं पेड़ था और उस बेर का, बेर यानी बैर जो आप खाते हो, तो उस बैर को तोड़ने के लिए उसने ढेला फेंका, जिससे उसे खिलाकर बेटे की भूख शांत कर सकूं। वह तोड़ रही थी ताकि कम से कम बेर ही खिलाकर अपने बेटे की भूख को शांत कर सकूं। पर मेरे दुर्भाग्य से यह ढेला फल को न लगकर आपको लग गया, मैं निर्दोष हूं, अतः क्षमा कर दीजिए। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं आपको नहीं मारना चाहती थी ढेला, मैंने यह ढेला तो उस फल को तोड़ने के लिए, उस बेर को तोड़ने के लिए फेंका था, लेकिन महाराज गलती से यह ढेला आपको आकर लग गया, बेर को नहीं लगा, मैं निर्दोष हूँ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे आप माफ़ कर दीजिए। ऐसा वो बूढ़ी औरत राजा के सामने बोलने लगी। बुढ़िया की बात सुनकर महाराजा रणजीत सिंह ने अपने आदमियों से कहा,
कि बुढ़िया को 1,000 रुपये और खाने का सामान देकर आदर के साथ घर पहुंचा दे। जब महाराजा रणजीत सिंह को पहले तो भाई गुस्सा जरूर आया कि कौन है जो मुझे पत्थर मार रहा है, ढेला मार रहा है, लेकिन जब राजा साहब ने बात सुनी उस बूढ़ी औरत की तो उनको पूरा मामला समझ में आ गया कि यह एक गरीब औरत है और इसके पास अपने बच्चे को खिलाने के लिए कुछ नहीं था, तो वह उसकी भूख शांत करने के लिए यह बेर तोड़ने आई और बेर को तोड़ने के लिए पत्थर उसने मारा और पत्थर यानी ढेला बेर को न लगकर मेरे ऊपर आ गया, मुझे लग गया। तो इसमें इस बूढ़ी औरत की कोई गलती नहीं है। तो महाराजा रणजीत सिंह ने अपने आदमियों को कहा कि और उस बूढ़ी औरत की गरीबी को उन्होंने समझा, क्योंकि वह एक दयालु राजा थे, इसलिए उन्होंने उस बूढ़ी औरत को 1,000 रुपया दिया और खाने का सामान देकर आदर के साथ घर पहुंचा दिया, पहुंचाने का आदेश दिया, आदर के साथ यानी सम्मान के साथ। वहीं कोई घमंडी गुस्सैल कोई राजा होता तो वो भाई पनिशमेंट दे सकता था, सजा दे सकता था उस बूढ़ी औरत को। तो बच्चों, पहली चीज़ तो यहाँ इस कहानी से, अभी यहाँ तक की कहानी में हमको यह शिक्षा मिली कि हमें दयालु होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए, तुरंत हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। लोगों ने कहा, मतलब महाराजा रणजीत सिंह के साथ जो लोग चल रहे थे उन्होंने राजा से कहा, महाराज यह क्या कर रहे हैं, इसे तो दंड मिलना चाहिए क्योंकि इसने आपको ढेला मारा है। सैनिक सब कहने लगे कि महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसने तो आपको पत्थर मारा है, इसको तो मार देना चाहिए, इसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसा उनके साथ चलने वाले सैनिकों ने कहा। रणजीत सिंह बोले, भाइयों, जब बिना प्राणों का तथा बिना बुद्धि का वृक्ष ढेला मारने पर सुंदर फल देता है, भाई जब पेड़ को हम लोग पत्थर मारते हैं तो बेचारा उसमें तो प्राण भी नहीं है, वो बुद्धि भी नहीं है उसके अंदर, उसके बाद भी वो फल दे देता है हमें खाने के लिए, तब मैं प्राण वाला और बुद्धि वाला होकर भी इसे दंड कैसे दे सकता हूँ। ऐसे उदार थे महाराजा रणजीत सिंह। भाई महाराजा रणजीत सिंह का कहना हुआ, जब उनके सैनिकों ने उनसे कहा कि महाराज इसको आप सजा दीजिए, इसे माफ मत कीजिए, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ये बताइए, जब बिना प्राणों वाला और बिना बुद्धि वाला कोई पेड़ जिसको हम पत्थर मारते हैं और वह हमारे पत्थर मारने पर भी हमको मीठे मीठे फल दे देता है हमको खाने के लिए, तो फिर हम लोग तो बुद्धि वाले हैं, हमारे अंदर तो प्राण यानी जीवन है, तो ऐसा बुद्धि वाला होकर भी हमें इसे दंड दे देना चाहिए। तो उन्होंने यही उत्तर दिया अपने साथियों को और उन्हें समझाया कि हमें उदार हृदय वाला होना चाहिए, बड़े दिल वाला होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से उम्मीद है आप लोगों को यह शिक्षा मिली होगी कि हमें उदार होना चाहिए, हमें बड़े दिल वाला होना चाहिए, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, उनकी परेशानी को सुनना चाहिए। किसी से अगर कोई गलती हो भी गई है तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि उस गलती के पीछे क्या कारण था, उसके बाद हमें प्रतिक्रिया करनी चाहिए कि वह गुस्से करने वाली बात है या उन्हें माफ़ करने वाली बात है। चलिए इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर भी नज़र दौड़ा लेते हैं। पहला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह कैसे राजा थे? तो भाई अभी आप लोगों को बताया हमने, अभी पढ़ रहे थे हम लोग कि महाराजा रणजीत सिंह एक आदर्श राजा थे, उदार हृदय वाले राजा थे, ठीक, और वो प्रजा के सुख दुख को अपना सुख दुख समझते थे। रणजीत सिंह के सिर पर ढेला कैसे लगा? तो इसका उत्तर तो कुछ इस तरह से होगा कि एक बुढ़िया अपने भूखे बच्चे के को खिलाने के लिए पेड़ से फल तोड़ना चाहती थी और उस फल को तोड़ने के लिए उसने
उस फल को तोड़ने के लिए जब उसने ढेला फेंका तो वह ढेला फल को न लगकर महाराजा रणजीत सिंह के सिर पर लग गया। ठीक, बुढ़िया क्यों कांपने लगी? तो इसका उत्तर कुछ इस तरह से होगा कि जब महाराजा बुढ़िया ने देखा कि महाराजा रणजीत सिंह को पत्थर लग गया है, ढेला लग गया है, और उनके सैनिक बुढ़िया को पकड़कर राजा के सामने ले गए, तो वह डर के मारे कांपने लगी कि अब उसे सजा मिलेगी। अगला प्रश्न है कि बुढ़िया फल क्यों तोड़ना चाहती थी? तो भाई बुढ़िया क्यों फल तोड़ना चाहती थी? उसने बताया कि मेरा बेटा भूखा था, उसे खिलाने के लिए घर में कुछ नहीं था, मैंने पके हुए बेर को तोड़ने के लिए यह ढेला फेंका था जिससे उसे खिलाकर बेटे की भूख शांत कर सकूं, इसीलिए वह फल तोड़ना चाहती थी। महाराजा रणजीत सिंह ने बुढ़िया को दंड क्यों नहीं दिया, बताइए? तो पहला कारण तो ये हुआ कि जो बुढ़िया है उसने जानबूझकर महाराजा रणजीत सिंह को ढेला नहीं मारा था, और दूसरी बात महाराजा रणजीत सिंह ने कहा कि जब बिना बुद्धि वाला, बिना प्राणों वाला या पेड़ पत्थर मारने पर, ढेला मारने पर फल देता है, तो फिर मैं बुद्धि वाला होकर भी इस बुढ़िया को दंड कैसे दे सकता हूँ। अगला प्रश्न है, उन्होंने बुढ़िया के साथ कैसा व्यवहार किया? तो भाई उन्होंने बुढ़िया को 1000 रुपये तथा खाने का सामान देकर आदर के साथ विदा किया। उन्होंने बुढ़िया को 1000 रुपये और खाने का सामान देकर आदर के साथ, सम्मान के साथ उसको घर पहुंचा दिया। इस घटना से महाराजा रणजीत सिंह के किस गुण का पता चलता है, कौन सी क्वालिटी का पता चलता है, किस गुण का पता चलता है महाराजा रणजीत सिंह के? तो इससे यह पता चलता है कि महाराजा रणजीत सिंह बहुत ही उदारवादी और न्याय पसंद राजा थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि हमें भी उदारवादी होना चाहिए, सबके प्रति अपने मन में अच्छे भाव रखने चाहिए, किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखनी चाहिए। एक बात और बच्चों, कि ज़्यादातर बच्चे चैनल को सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं करते। घंटी जैसी एक चित्र बना रहता है, उसे प्रेस करना ज़रूरी होता है ताकि आपको मेरे नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। तो अभी तक जिन बच्चों ने बेल आइकन प्रेस नहीं किया वो ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी यह वीडियो पहुंचे और उनको भी इससे कुछ लाभ मिल सके। आगे है, देखिए, जो धन सत्कर्म में लगा, जो धन परोपकार में लगा। भाई पैसा अगर आपके पास है और उससे आप अच्छे कार्य नहीं करके गलत कार्य कर रहे हैं, लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, जो तन यानी आपका जो शरीर है वह यदि परोपकार में नहीं लगा है, समाज की सेवा में नहीं लगा है, लोगों की भलाई में नहीं लगा है, और जो मन ईश्वर भजन में लगा है, ऐसा मन जो हमेशा ईश्वर की पूजा करता है, ईश्वर को मानता है, ईश्वर भक्ति करता है, और जो बुद्धि आत्मविचार यानी बुद्धि में हमेशा अपना आत्मचिंतन कर रहे हैं आप, यानी आपके पास अगर धन है तो उससे सत्कर्म कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, समाज का भला कीजिए, आप बलशाली हैं शरीर से तो आप शरीर या अपने शरीर को लगाइए समाज की सेवा में, लोगों के बीच जाइए, उनको सही और गलत समझाइए, बताइए, समाज की बातें बताइए, और अपना मन अगर आपने ईश्वर भक्ति में लगाया, ईश्वर की पूजा में लगाया, ईश्वर की स्तुति करते हैं, और अपनी बुद्धि में आप अपना आत्मचिंतन करते हैं, आत्मविचार करते हैं, तो ऐसा करने वाले लोग ही धन्य होते हैं। तो बच्चों, आप लोग भी इन चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात कीजिए, अपने अंदर लाइए इन गुणों को, ठीक है?
परोपकार कीजिए, ईश्वर में आप विश्वास रखिए और अपनी बुद्धि का सही प्रयोग कीजिए, समाज के कल्याण के लिए कीजिए, यही आप लोगों से प्रार्थना है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।